आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। आजकल चिकनगुनिया, डेंगू और वायरल फीवर ने सबको परेशान करके रखा हुआ है। उत्तरी भारत, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में इसका कहर ज्यादा देखने को मिल रहा है। डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल फीवर के लिए हमने पहले ही अपने उपाय बता रखे हैं। अगर डेंगू या चिकनगुनिया है तो ऐसी स्थिति में आप ज्यादा से ज्यादा लिक्विड का सेवन करें। आयुर्वेद समाधान के इस खास वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं चिकनगुनिया के दर्द से राहत दिलाने वाले तेल के बारे में। जी हाँ, चिकनगुनिया किसी को होता है तो उसके जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है। यही एक पहचान होती है चिकनगुनिया बुखार की। तो आइए आज जान लेते हैं एक ऐसे तेल के बारे में जो आपके इस दर्द से आपको निजात दिलाएगा। आपको सबसे पहले बताते हैं कि इस तेल को बनाने के लिए आपको किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल करना है। सामग्री हैं 50 ग्राम सरसों का तेल, 50 ग्राम सफेद तिल का तेल, 15 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 टेबलस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून मेथी दाना, 15 लहसुन की कली बारीक कटी हुई, 1 छोटा टुकड़ा अदरक पिसा हुआ, 1 टीस्पून हल्दी, 2 बड़े पीस कपूर के, 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। अब आइए आपको बताते हैं कि आप इसे बना कैसे सकते हैं। कढ़ाई में 50 ग्राम सरसों का तेल और 50 ग्राम सफेद तिल का तेल डालकर तेज गैस पर गर्म कीजिए। फिर गैस को धीमी करके हल्दी और कपूर को छोड़कर सारी चीजों को डाल दीजिए। ध्यान रखें कि हल्दी और कपूर को ना डालें। इसके अलावा सारी चीजों को तेल में डाल दें। जब तक सारी चीजें जल न जाएं और उनका सत तेल में ना आ जाए, करीब 20 से 25 मिनट तक इसे ऐसे ही रहने दें। जब ये पूरी तरह से भुन जाएंगे तब तेल का रंग गहरा हो जाएगा। उसके बाद चूल्हा बंद कर दीजिए और उसमें हल्दी और कपूर मिला दीजिए। जब तक कपूर पूरी तरह से ना घुल जाए तब तक तेल को ठंडा होने के लिए रख दीजिए। तेल जैसे ही ठंडा हो जाए तेल को छानकर एक शीशी में भर लीजिए। कैसा भी पुराना दर्द हो, इससे मालिश गायब कर देगा कैसा भी दर्द। चिकनगुनिया में होने वाले जोड़ों के दर्द को तो ये ठीक करता ही है। अगर इसके अलावा घुटनों में, जोड़ों में दर्द होता है तब उस पर भी ये तेल लगाना काफी मददगार होता है। आपको बता दें कि चिकनगुनिया के दौरान अगर दर्द होता है तो कोई भी पेन किलर ना खाएं, तबीयत खराब हो जाएगी। चिकनगुनिया में ये तेल बहुत असरदार है। इसे बनाकर मालिश करके देखें। जिन्हें तकलीफ हो चिकनगुनिया में पैरों में और जॉइंट पेन ज्यादा होता है तो उन्हें ये तेल लगाना चाहिए। तेल 100% फायदेमंद है। लगाते ही आराम शुरू हो जाएगा। दिन में 3 या 4 बार इसकी मालिश करें। तो ये था चिकनगुनिया में होने वाले दर्द से आप किस तेल से निजात पा सकते हैं उसके संबंध में जानकारी। हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आयुर्वेदाचार्यों और वैद्यों द्वारा लिखी गई रचनाओं से ली गई है। इस संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ayurvedsamadhan@gmail.com। आयुर्वेद के ऐसे ही समाधानों के लिए और हमेशा स्वस्थ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें आयुर्वेद समाधान।